वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पनीर की बर्फी बनाने जा रहे हैं। पनीर से बनाएंगे लेकिन लगेगा नहीं कि आपने इसे पनीर से बनाया है। खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मार्केट से लेके आए हैं। किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इसको घर में बनाया है। बिल्कुल कलाकंद जैसा टेस्ट आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रक्षाबंधन और आपके भाई लोगों को भी ज़रूर खिलाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम पनीर को इस तरह से कद्दूकस से अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध रख लिया है। तो दूध को उबाल आने तक हम यहाँ पे थोड़ा पका लेंगे। अच्छे तरीके से पकने तक हम बीच बीच में इसको अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। अगर आप इसको चलाना छोड़ देंगे तो नीचे से दूध लग जाएगा, इसीलिए इसको चलाते रहिएगा जब तक ये लगभग इसका आधा ना हो जाए। देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो अच्छी तरीके से पक भी चुका है और आधा भी हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे इस स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर लेना है और हम यहाँ पे पनीर को डाल लेंगे। आपको गैस को ऑफ करके पनीर को डालना है वरना लम्स भी हो सकते हैं, अच्छी तरीके से पनीर मिक्स भी नहीं हो सकता है। इसीलिए गैस को ऑफ कर दीजिएगा और पनीर को डाल देंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। और अभी हम गैस को ऑन कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद। और इसको हम अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे और अच्छी तरीके से पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये अच्छी तरीके से पक चुका है। दूध और पनीर अच्छी तरीके से आपस में मिल चुके हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी ले लिया है तो चीनी को भी डाल लेंगे। तो अच्छी तरीके से दूध गलने के बाद हम पानी चीनी डालेंगे, क्योंकि पहले डाल लेंगे तो चीनी में से भी पानी निकलता है। इस स्टेज में चीनी को ऐड कीजिएगा, मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर ले लिया है। इलायची पाउडर से टेस्ट और खुशबू ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा, तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। पक जाने तक हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे, चलाते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे से तेल लग जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से पक चुका है। इसमें दूध थोड़ा भी नहीं है, हमने जो चीनी डाला था उसका पानी भी अच्छी तरीके से निकल चुका है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अभी मैंने इसी स्टेज में यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ऑयल ग्रीस अच्छी तरीके से कर लिया है। उसमें डाल के अच्छी तरीके से सेट होने के लिए हम रख देंगे। अच्छी तरीके से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसको ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के लिए ऐसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और आधे घंटे यहाँ पे मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से काटेंगे। आप आपके हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर शेप में काटेंगे। तो अब आपके हिसाब से कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छी तरीके से ये बन चुका है। तो यहाँ पे हमारी पनीर बनके रेडी हो चुकी है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसे पनीर से बनाया है, बिल्कुल मार्केट का कलाकंद जैसे लगेगा। कोई भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, खा रहे हैं, उनको यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर पे बनाए हैं। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है, आपके मुंह में ही जाके घुल जाएगा। ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है ये। अगर आप लोगों को इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।